का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि भैया कि इसी तरीके से रह रहे हैं। ये कंप्रोमाइज है क्योंकि कानून ये नहीं समझता कि प्रेम में रह रहे हैं। कानून तो अपना कानूनी चूतियापा देखेगा। तो ये कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि हम गए, हमने कोई चीज खरीदी, खरीदे, पैसे दिए, चले आए। कंप्रोमाइज ये करना पड़ता है, लिख के रखो भैया दिव्या कहाँ कहाँ खर्चा कर ली, कंपनी की फाइल बनाओ रखो। ये कंप्रोमाइज है मेरे तो कंप्रोमाइज वो वाले नहीं है कि हम शंकर की मूर्ति हो जी राम हाँ, ये सब चूतियापा। शंकराचार्य फर्स्ट वाला एनलाइटेड है, पर वो भी शिव की टेम्पल बनाया था। कौन शंकराचार्य एनलाइटेड? केदारनाथ में, ऐसा मैंने सुना है। शंकर देखो फिर समझना, जो शंकर आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य के संबंध में मैं एक बात कहूंगा, इसीलिए वो प्रथम माने गए। आदि शंकराचार्य प्रथम व्यक्ति थे, एनलाइटेड व्यक्ति थे, जिन्होंने कई चीजों का सम्मान करने के लिए बात कही। आदि शंकराचार्य ने, अब जैसे कि मैं भी शंकर की राम की बात कह रहा हूं तो उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज वो चीज आ गई है, यदि मैं राम को महिमा मंडित करूंगा तो लोग बहुत गलत इस्तेमाल कर लेंगे। उस समय ऐसा नहीं था कि उसका राजनीतिकरण हो जाए, लेकिन आज राजनीतिकरण हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे कोई शंकर की और राम की प्रतिमा से कोई आपत्ति थोड़ी ना। यहाँ पे तर्क हो रहा था कि सद्गुरु एनलाइटेड है या नहीं। नहीं, सद्गुरु नहीं, वो तो मैं मानता हूं वो एनलाइटेड। देखो एनलाइटमेंट एक ऐसी चीज है जहां से पूरी तरीके से अपना व्यक्तित्व निकलता है। एनलाइटेड व्यक्ति को अपने पीछे किसी पोस्टर की जरूरत नहीं, प्रमोटेड है। पर मुझे लगता है वो कुछ तो अलग है। यार अलग तो तुम्हें हम कल कौन ये सुनने, थोड़ा सा वो महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, वो तो वहां एनलाइटेड है। वो तो अब अपनी कुंडली जागरण पे भी बोल देता है। एक्चुअली तुमने और यार सब पागल है उसके पीछे हैं, यंगस्टर है ना जो आज के। कोई देखो मैंने कहा क्या कहा, वो एक मोटिवेटर है। सुनो वो एक काम करता था पहले एमबीए वगैरह में, वो एमएलएम जो है कंपनियों में था, उसके बाद धीरे धीरे उसे लगा मोटिवेटर अच्छा काम है, मोटिवेटर को बड़ा पैसा मिलता है। मतलब जो कॉलेजियन है ना वो सब उसके पीछे, भाई ये सब उसके ऑफलाइन वीडियो करके सुनते हैं। आप छोड़ो भाई, उसके चैनल में लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों सब्सक्राइबर के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी हमारे एक लड़का आता था, अभी वो गुरु हो गया, उसने देखा कि सब्सक्राइबर बढ़ाए, गया उसने लाख दो लाख रुपए खर्च किए और महीने डेढ़ महीने के अंदर 11,000 सब्सक्राइबर हो गए। उसे मुझसे कंपटीशन था, मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर करने थे। जब 11,000 हो गए उसने सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया, बात समझ ना। अब वो अपना उसी पे अटके हुए हैं, दो चार बढ़ रहे। मैं आज तक यूट्यूब पे एक रुपया नहीं खर्च किया, धीरे धीरे 11,000 सब्सक्राइबर है हमारे आज, और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये बढ़ने में हो सकता है मेरी मृत्यु निकट आए तब मेरे पास 10-20 लाख सब्सक्राइबर हों, लेकिन ये मेरे पूरे जीवन से पैदा हुए हैं, ये प्रमोशन के हिस्से नहीं है। प्रमोशन आप जब तेजी से करोगे तेजी से ठंडे भी पड़ जाओगे। देखो आध्यात्मिक नेता वो सॉरी अभिनेता बनना हो तो 18 साल से शुरुआत हो जानी चाहिए, नेता बनना हो तो आपको 21, 22, 25 साल से शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आध्यात्मिक नेता होना है तो आध्यात्मिक नेता कोई भी ऐसा नहीं जो 40 साल से पहले चमका हो। आध्यात्मिकता को उम्र चाहिए पकने में, बातें तो कोई भी कर ले, अनुभव से जो आती है उसकी दम दूसरी होती है। बातें तो ओशो ने इतनी लिख दी है, तुम अभी पढ़ के बोल दो, देखे तुमसे कोई सुनने आ जाए, जब तक तुम्हारे अनुभव में नहीं है। मैं जो भी बोलता हूं अपने अनुभव से बोलता हूं, जिसके कारण जो है लोग मुझे सुनते हैं। अगर परसेंटेज की बात कहूं तो मुझे मानने वाले तो बड़े भयंकर वाले पागल हैं, शायद ही संदीप महेश्वरी के पीछे एक भी लड़की अपना घर छोड़ के भागी होगी, मैं तो कितनी गिना दूं। और संदीप महेश्वरी में इतनी हिम्मत भी नहीं कि कोई एक आध कोनों में मिल लिया हो उसका नाम आज तक लिया हो। पूरा नैतिक आदमी, वो सेक्स पे तब बोलता है जब उसे देखा आप सेक्स पे बोलने में कोई आपत्ति नहीं। अरे अपने सेक्स के ऊपर बोलो तब बात करें कि कितनी बार पैंट के अंदर हाथ चला गया था, बात तब है। दूसरे के सेक्स पे बोलना आसान है, अपने सेक्स पे बोलो। मेरे अलावा पूरे अस्तित्व में एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसने बताया हो अपने सेक्स जीवन के बारे में कि कब शुरू हुआ। अब ये सेक्स पे एक चुटकुले सुनाना, अरे आजकल तो अगर हम संदेश महेश्वरी ने सेक्स पे बोला मुझसे अच्छा मानते, उससे अच्छी तो सनी लियोनी है।
उसने सिखाया सब हाँ? वो तो देवी 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 सनी लियोन इसलिए इन सब चीजों में नहीं आना चाहिए। आपको ये देखने की जरूरत है किसके अनुभवों से चीजें आ रही हैं। बोलने वाली बात जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना ज्यादा किताबें चाटी होंगी, उतनी नए नए प्रकार की बातें कह सकता है। अरे हम तो यार थर्ड क्लास पास, वो भी बड़ी मुश्किल से, नकल कर कर आके पास हो गए, वो भी कॉमर्स साइड, साइंस साइड तो हमारा विषय नहीं था, और हम साइंस पे कितना कुछ बोल रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं इस चीज को कि आप मुझे आंख पे पट्टी ले जाके किसी ऐसी दर्शकों में छोड़ दीजिए जो नए प्रकार के दर्शक हो। मैं मंच पे खड़े होकर बोल के दिखाऊंगा। और मैं अभी संदीप महेश्वरी छोड़ो, दुनिया का कोई आदमी, मैं उसको एक आध ऐसी जगह भेज सकता हूं जहां वो बोल नहीं सकता। हर एक के लिए एक ऐसा मंच मैं दे सकता हूं जहां पर उसकी घिग्गी बन जाएगी। भाई कोई कहे कि बोलने क्या है, मंच पे गए बोल देंगे, नहीं, दर्शक होते। मैं गांव के दर्शकों पे बोला, मैं युवाओं पे बोला, मैं बाबाओं पे बोला, मैं मुस्लिमों के बीच बोला, जहां मुझे जान से मारने की धमकी दी गई उनके बीच बोला, और तो और छोड़ो, जेल के अंदर चुटकुले सुनाता था पुलिस वालों के ऊपर। हाँ, मैं प्रेमियों का रेस्टोरेंट चलाया और शिव सैनिकों के सामने बोला। मैं अभी कह दूं कि हिजड़ों की फौज ले जाके खड़ी कर दो उनके सामने, अभी देखें कैसे बोलते हो। अभी सदगुरु को बोलो 1000 हिजड़ों के बीच तुम्हें अचानक प्रवचन देना, अचानक बोल रहा हूं, तैयारी करके तो वो आ जाएगा किसी किताब पढ़ के। अचानक सदगुरु बोलो आओ चलो एक जगह प्रवचन देना है, और 500 हिजड़ों की भीड़ बैठा दो, बोलो दो ज्ञान का प्रवचन, कुंडली जगाओ इनकी। किसी साले में हिम्मत हो हिजड़े का कुंडली विज्ञान बता के दिखाए। है कोई? है कोई हिजड़े के कुंडली विज्ञान बता सकते हैं? पुरुष और स्त्री का तो सब बताते हैं, दोनों का बताओ मिलके। मैं बात बड़ी कड़ी कह रहा हूं लेकिन सोचने वाली बात है। सब परमात्मा को पाने के अधिकारी हैं, फिर हिजड़े ने क्यों नहीं पाया? बातें तो सबने बड़ी बड़ी कर दी लेकिन कुछ विषयों पे आके सब अटक जाएंगे। तो इसलिए ये जो अनुभव से चीजें घटती हैं वो बात दूसरी है। बुद्धत्व का तो एक ही मतलब होता है, सामाजिक नजरिए से, सामाजिक जानकारियों से मूड, तब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। फिर उसके बाद भले वो समाज को चूतिया बनाने के लिए और समाज को समझाने और चलाने के लिए किताबें 1,00,000 पढ़ लें, लेकिन खुद उपलब्ध हुआ, मैं ओशो की बात कर रहा हूं क्योंकि वही जरा आप लोग समझते हो, खुद उपलब्ध हुआ, जिस समय तक उपलब्ध हुआ उस समय तक जो हरकत की वो सामाजिक हरकतें हैं, पेड़ पे बैठा सामाजिक हरकत, रेलवे के पुल से नदी में कूद गया सामाजिक हरकत, पंडित की छुट्टियां काटी सामाजिक हरकत, स्कूल में हाथी लेके चला गया सामाजिक हरकत, मास्टर पढ़ा रहे खिड़की पे देख रहा सामाजिक हरकत, दादी और नानी से कह रहा कि पैसे के पास जाएंगे पैसे दो सामाजिक हरकत। तो कौन सी हरकत सामाजिक थी? एक भी तो सामाजिक हरकत नहीं दिखाई, विवाह किया नहीं, राखियां बंधवाई नहीं, हिंदू घर में पैदा हुआ हनुमान का व्रत नहीं रखा, हां खतना करवाया था और क्या। तो बुद्धत्व के लिए तो गैर सामाजिक हरकतें चाहिए, क्योंकि समाज की पूरी व्यवस्था तुम्हें बुद्धत्व नहीं दे सकती। समाज की पूरी व्यवस्था तो कीचड़ जैसी है, यहां कमल बनना है तो कीचड़ से विपरीत आयाम पे चलना पड़ेगा। अगर कीचड़ जैसा ही होना है तो तुम कीचड़ हो सकते हो, एक कमल होना है तो कीचड़ के विपरीत आयाम पे चलना पड़ेगा। कि हमें कीचड़ से जुड़ना नहीं है तभी कोई कमल हो पाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कीचड़ में कमल हो जाता है, हम भी कीचड़ और हम कमल हो जाएंगे, कोई ऐसा सोचे तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए बातें कोई भी कर सकता है, इंटेलेक्चुअल बातें कोई भी कर सकता है,
लेकिन उसके जीवन के लक्षण देखो। सदगुरु की बातें सुनते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं, तो मैं तो कभी सुन, दूसरे ही सुनाते हैं मुझे, तो सदगुरु की बातें सुनते हैं, मुझे तो कहीं उसमें गैर सामाजिक बातों के कोई लक्षण कभी दिखाई नहीं दिए। अभी जो लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण सारे हैं, वो वही शिव शिव की पूजा और मैसेज फैलाने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक बात कर रहा है ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो मैसेज फैलाने के लिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? अगर मैं कहें आओ राम राज्य के लिए, आओ आओ मैं मंदिर बनाऊंगा, आओ आओ राम राज्य के लिए, लोग आ गए, अब हम क्या देंगे? सूपनखा का सम्मान करते हैं हम, आओ सूपनखा के मूर्ति का हम अनावरण करते हैं, ऐसा हो पाएगा? देखो अगर आपको लोगों को आवाज भी देना है तो लोगों के दिल में जिन चीजों की तड़प उठ रही है उन पे आवाज दीजिए। वो सेक्स संबंधों पे बोलते हैं तो बताते हैं कि सेक्स संबंध पराई स्त्री से बनाना गलत होता है, पूरी नैतिक बात, पूरी नैतिक बात। ये गलत नहीं बोला उसने, बोला कि आपका मर्जी है, उसका सजा भी आप ही भुगत लो। बात तो वही कह दी, बात तो वही कह दी। देखो बात ऐसी कह दी, देखो आप जैसे मैं कह दूं, देखो अगर तुम यहाँ रहते इस तरीके की बात करोगे तो फिर इनलाइटमेंट नहीं हो सकता। तो ये डराने को सीधे तो बाकी तुम्हारी मर्जी, बोल तुम सब सकते हो, लेकिन अगर ऐसा किया फिर तुम इनलाइटेड नहीं हो सकते। और ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं? नहीं वो तो ना किस तरीके का डर होता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक डर। देखो सेक्स बुरी बात नहीं है लेकिन बस एड्स हो सकता है। बेचारा पूरा पूरे वक्त आदमी का ध्यान प्रेम में होगा कि एड्स में होगा? चार बार अपना कंडोम चेक करेगा, फट तो नहीं गया? ये कोई ढंग है? ये कोई प्रेम का ढंग, कंडोम बार बार चेक करना पड़? ये अगर कहीं किसी के बीच में आता है, मैं तो कहूंगा कि प्रेम की ऐसी दीवानगी कि कंडोम का भी याद ना रहा, हो गया एड्स तो हो गया, इसे मैं कहूंगा कुछ गरिमा है। मैं तो इसे बुद्धत्व का मार्ग कहूंगा। तो भयभीत चित्त, किसी भी तरीके से भयभीत, अगर वो ये भी भयभीत हैं, मान लो वो ये भी भयभीत है कि मेरा संदेश दुनिया तक नहीं पहुंचेगा, मैं मर जाऊंगा, इसके लिए थोड़ी डिप्लोमेसी का यूज कर लूं, ये भी बुद्धत्व की निशानी नहीं है। मैं तो कहता हूं मैं बक रहा हूं, सफल हो जाऊं तो ठीक, ना सफल हो तेल लेने गया मुझे क्या लेना था। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, अपना प्रयास पूरा करूंगा, मैं तो जो करूंगा पूरा करूंगा, अपना प्रयास पूरा, फिर सफलता असफलता गई, मैं सफल हूं क्योंकि मैंने किया, मेरी सफलता मेरी ईमानदारी भविष्य में परिणाम नहीं लाती, मेरी ईमानदारी करते वक्त परिणाम लाती है। मैं बच्चे को दूध पिलाता हूं उस वक्त ही मुझे मजा आता है, मैं ऐसी मां हूं, मैं बच्चे को दूध पिलाता हूं बड़े होके ये दूध की पनीर लाएगा मेरे लिए, ऐसा नहीं है। मेरी कोई नैतिकता ऐसी वाली नैतिकता नहीं है कि बच्चा बड़े होके हमें पनीर खिलाएगा, हमने इसे दूध पिलाया था, ये कोई नैतिकता हुई? ये कोई प्रेम हुआ? ईमानदारी तो करते वक्त आनंदित होती। किसी ने हमसे कहा स्वामी जी हमने आपसे बड़ी ईमानदारी दिखाई, मैंने कहा बड़ा धन्यवाद, बड़ा मजा आया होगा तुम्हें। बोले हम तो इसलिए कह रहे थे कि कुछ आपको हम याद दिलाएं, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया। हमने भाई मुझे कोई याद नहीं, तूने ईमानदारी की थी, तुझे मजा आ गया था, बात खत्म हो गई। वो वहां खड़ा खाना बना रहा है, इतने अच्छा सुंदर सा भाई, खाना बनाते वक्त एक मजा है, मजा आ गया, हमने खा लिया, वाह वाह कर दिया, उसे मजा आ गया। अब ये थोड़ी ना कि हम उसको बदले में खाना खिलाएंगे अच्छा बना के, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात, वर्तमान में इतना आनंद लो कि तुम्हें भविष्य में आनंद वो लौट के मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बहुत चिंता नहीं रहनी चाहिए। कर्मों में आनंदित, मैं तो अपने कर्मों में आनंदित हूं, वरना मुझे तो बड़ा मेरे ऊपर इल्जाम है, मैंने बहुत काम किए, लोग बड़ा आप मतलब नहीं सफल हुए उस ढंग से। हमने कहा हमें नहीं, हम तो सफल थे, हमने किया, हमें बड़ा मजा आया। असफलता तो वो होती है कि मैं अपने प्रयास खत्म कर दूं, मैं प्रयास करूंगा लेकिन मैं ये भयभीत नहीं हूं कि ऐसा ना हो कि मैं गया और तब तक कोई जाग ना पाया मुझसे, भाड़ में गया, वो ठेका ले रखा जगाने का।
मैंने तो कोई ठेका नहीं ले रखा, जाग जाओ ठीक, ना जागो ठीक, मैं पैपै अपना काम कर सकता हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं, मैं तुम्हें व्यवस्था दे सकता हूं, जागो तुम, जागना तुम्हारे काम, मैं एक व्यवस्था दे सकता हूं, मैं एक समझ दे सकता हूं, मैं कुछ प्रयोग कह सकता हूं, लेकिन जागना तो तुम्हें पड़ेगा, या हम जागेंगे तुम्हारी जगह? भाई जागना तुम्हें काम पड़ेगा, जागना मेरे उसमें नहीं है। और तुम जागोगे तुम्हारे कारण जागोगे, मैं भी कोई उसमें श्रेय लेने नहीं आ रहा। दो तीन बुद्ध पुरुष मेरे पास बन गए, मैं श्रेय नहीं लेता भाई, वो अपनी हरकतों से बने, वो अपनी हरकतों से बने, अब बने नहीं बने वो भी वो तय करें, मैं कोई सर्टिफिकेट भी नहीं देता किसी को, मैं बिल्कुल इस मामले में कतई रस नहीं लेता कि मैं किसी को सर्टिफिकेट दूं कि ये बड़ा बुद्ध हो गया। कई बार लोग पूछते हैं कि आप अपने वही बात की अपने बच्चों के इंटरव्यू डालने का, भाई बच्चे डालें डाल दें, वो बच्चों का काम है। हाँ मैं तो बस जहां तक थोड़ी बहुत बातें समझाता हूँ कि भाई भाई अपना रोटी रोजी की व्यवस्था चलती है इन सब चीजों से, तो उसको थोड़ा बढ़ाए रहो और क्या है भाई। मैं तो कह रहा हूं कि अब ये वीडियो बनते हैं, वीडियो पढ़ते हैं, इसी से आप सब इकट्ठे हुए, इसी से भाई हमारे घर में राशन आता है, तो इसको जारी रखेंगे और क्या। शाम को दो वक्त गप्पे लड़ा रही बैठ के, अपने रिकॉर्डिंग हुई, दिव्या ने अपने एडिटिंग करी, डाल दी, सबको काम मिल गया। जो हमारे जैसा होगा पागल वो आ जाएगा हमारे पास, जो दिमागदार है वो अपने घर बैठे, हमने कौन सा, हम दिमागदारों को इनवाइट कर रहे, दिमागदार अपने घर बैठेंगे। हर व्यक्ति की अपनी मैग्नेटिक पावर होती है सेल्फ, और वो खींच लेती है, ये बात अलग है। स्वामी जी मुझे तीन लोगों से अट्रैक्शन हुआ था, सद्गुरु और ओजन, वो मेक्सिको में था, अभी जेल में गया, और आप, तो आपके पास आ गया। तो वो ठीक है, अब सद्गुरु तुम्हें अवेलेबल नहीं हुए, सद्गुरु अवेलेबल नहीं हुए जाने के लिए, नहीं तुम वहां भी जा सकते थे, नहीं थोड़ा वो है ना डिफरेंट माहौल है, इंटीमेसी नहीं हुआ। हाँ वही वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, एक जागृत व्यक्ति दूसरे के लिए जागृत माहौल बनाएगा, ना कि कब्जेदारियों का माहौल। मैं कितना, तुमने देखा होगा कि मैं माहौल में कब्जेदारियां नहीं बना रहा, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि समझदारी बने, कब्जेदारी नहीं समझदारी, आपने देखा ना समझदारी पे काम होता है। यहां पे कोई भी चीज थोपी नहीं गई है, हाँ भाई थोड़ी समझदारी से कर लो, हाँ उन्होंने कहा मेरे सर में दर्द नहीं हो पा, कोई बात नहीं तुम नहीं करो तुम कर लो, कोई यहां किसी पे आरोपण नहीं है, ना यहाँ सोने का कोई नियम है, ना यहाँ जागने का कोई नियम है, ना यहाँ खान पान का कोई नियम है, ना किसी तरह, इसीलिए तो हम लोगों को मजा आता है। आप नोटिस करो कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए, जो भी एक डेढ़ महीना हो गया, अब उस एक डेढ़ महीने में तुम्हें ज्यादा घड़ी घड़ी देखने का मन नहीं कर, टाइम क्या हुआ नहीं होता होगा, टाइमलेसनेस हो गया, डेट भी याद रहते लो, वो वही डेट ना याद है ना घड़ी ना देखना, ये टाइमलेसनेस है। हम लोग समय में जी नहीं रहे कतई, बिल्कुल भी नहीं जी रहे, हम लोगों का समय मिट गया है, ऐसे लग रहा है बचपन बचपन जैसा हो गया। हाँ अब देखो ना, अब ये है, इसको माहौल कहेंगे। अब हम कहें यहाँ सुबह सुबह एक घंटा बोलेगा और सब उठेंगे तो साला आदमी पूरी जिंदगी परेशान घंटे के कारण। सच्चिदानंद को घड़ी चाहिए है ना, इसको सच्चिदानंद को, सच्चिदानंद को दिला देंगे घड़ी, ठीक है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? सुबह उठते मोबाइल मेरा डिस्चार्ज रहता है, तो टाइम पे पता नहीं चलता, रात को मास्टरबेट तो नहीं कर लेता नहीं नहीं मैं तुम्हारी नहीं कर रहा, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो एक बात है, घड़ी की क्या जरूरत पड़ती सुबह सुबह? समय कितना हुआ कि उसके बाद ब्रश व्रश कर, मैंने समय से ब्रश करते हो अंदर अंदर मुंह में, तुम्हें पता नहीं लगता ब्रश की जरूरत है या समय से करते हो, पूछ रहे हैं। अच्छा थोड़ी बात बताओ, इसमें कोई मजाक नहीं, सामान्य सी बात है, तुम्हें मुंह में खुद नहीं पता लगता कि अब ब्रश कर लेना चाहिए, मुंह गंदा हो गया सुबह उठते हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, तुम्हें क्या मुंह में गंदगी हो गई ये पता नहीं लगती, बेहोश हो इतने? पता लगती है तो पता लगती तब कर लो, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं, गंदगी पता लगती है, अगर तुम इस पे डिपेंड होगे तो तुम्हारा गंदगी के प्रति होश बढ़ जाएगा, और यदि गंदगी ना हो जाए इसके लिए हम टाइम से पहले कर लें तो तुम्हारा घड़ी के प्रति होश बढ़ जाएगा।
अब तुम्हें अपने प्रति होश बढ़ाना है कि घड़ी के प्रति बढ़ाना है, ये मुझे बता दो। घड़ी लाइटेड हो जाएगी अगर घड़ी के प्रति होश बढ़ा है, तुम रह जाओगे। आज इतना खुल के हंसा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज आपके सामने पहली बार हंसा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बेटा, सच बता रहे, मजा आ गया तुझे देख के। वो गाने कैसे सुनता पता है? मोहब्बत की झूठी। अब ये पता क्या है? मैंने क्या बोला भाई तुझे? पता क्या होता है? मैं पहले ऐसे सुनता था, अब ये देख रहा हूँ, अब ये तकदीम तो नहीं दे रहा, ये ऐसे नहीं टेस्टिंग कर रहा है। इतना कंफ्यूजन, आप भी कंफ्यूज हो गए। मैंने तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया, मैंने सिंपल सी बात पूछी कि बेटा अगर तुम मुंह में तुम्हारे गंदगी है, अगर तुम इसको होश में रखोगे तो तुम्हारा होश अपने प्रति बढ़ेगा ना, कि मेरे मुंह में गंदगी है, फिर ऐसे ही पता लगेगा मेरे पेट में गंदगी है, फिर ऐसे ही पता लगेगा मेरे जिस्म में कहीं कोई कीटाणु है, फिर इसी को बढ़ते बढ़ते पता लगेगा मेरे विचार में कहां गंदगी है। यही तो शुद्ध होने का तरीका है। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं गंदा ही ना हो जाऊं, इसके लिए मैं घड़ी देख के पहले ही कर लूंगा, तो तुम्हारा सारा अवेयरनेस घड़ी के संबंध में होगा। जिस दिन घड़ी खो गई उस दिन तुम खो जाओगे, क्योंकि तुम दूसरे पे डिपेंड हो गए, तुम घड़ी पे डिपेंड हो गए। मैं तो तुम्हें अपने ऊपर खड़े होने की कला बता रहा, यही प्रोसेस है भाई। नींद खुलती है पता लग जाती, नींद आती है घड़ी में, घड़ी हमारे अंदर है, ये बाहर की घड़ियां तो बाद में बनी है बहुत, परमात्मा ने घड़ी नहीं बनाई बाहर की, परमात्मा ने अंदर की घड़ी बनाई थी, आदमी ने बाहर की बना दी। इसीलिए पूरा जगत बाहर पर डिपेंड हो गया, बाहर की चीजों पर डिपेंड हो गया। मैं कह रहा हूं तुम अंदर पे डिपेंड हो। अब बताओ घड़ी चाहिए कि नहीं? सुबह उठकर देखने के लिए समय चाहिए। नहीं, देखने के लिए घड़ी का फोटो खींच के रख लो, उसको देख। तुम इसके कमरे में घड़ी बना दो दीवार पे, और तुमने देखा, तुम्हें क्या पता वो टाइम नहीं हुआ। अच्छा तुमने देखा, तुम्हें क्या पता वो टाइम नहीं हुआ, टाइम तो हुआ। या चलो अगर तुम्हें अगर एक ही टाइम देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसी घड़ी बना दो जिसकी सुइयां आगे पीछे की जा सके, रात को कोई एक दिन आगे पीछे कर दीजिए, जब भी देखेगा डिफरेंट टाइम दिखेगा। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सिस्टमेटिक बात कर रहा हूं। घड़ी कैसे पता कि ये घड़ी जो है वो हमें जो टाइम दिखा रही सही? कई बार घड़ी खराब हो जाती, मेरी खराब हो जाती, तो अब खराब हो जाती तो मुझे क्या पता? सच बताएं, मैं तुम्हें विश्वास मानना, मैं घड़ी बांधे हूं, मैं एक बार भी टाइम नहीं देखता इससे। ये घड़ी नक्शेबाजी बांधी, ये घड़ी इसलिए बांधी है कि किसी ने कहा था अच्छी लगती है, अब बांध दीजिए। हमारे पास लोग लेके आ जाते हैं घड़ियां। अच्छा मैं नहीं भी बांधता तो फिर फोन आता हूं, स्वामी जी आप वो वाली घड़ी नहीं पहने, हम देखते हैं आपके वीडियो में, बहुत वीडियो देखे, आप हमारी वाली घड़ी नहीं पहनते। तो भाई ये उनका प्रेम, पहन लेते हैं हम भी कभी कभी। बाकी कोई, अब तुमने देखा होगा मैं घड़ियां बदल बदल के पहनता हूं, कोई अंडर टाइम एक का नहीं देखता। नहीं, ऐसा भी आगे निवेदन आ सकता है कि आप अंडरवियर हमने दिया था, आपने सुपरमैन की तरह भाई, तो वो अंडरवियर दिया था उन्होंने, तो उनको अंडरवियर हम दिखा देंगे किसी वक्त, पहना नहीं पहना है ना, सुपरमैन होने का शौक होता तो बात अलग थी। जैसे अब ये टी शर्ट मेरी बेटी ने दी थी, अब उसको अगर किसी वीडियो में दिखेगा तो उसे अच्छी लगेगी, पापा पापा हमारी वाली शर्ट पहने, तो पापा का परमिशन भले ही ना सुनती हो लेकिन अपनी टी शर्ट देखने के लिए सुनेगी, तो सुनेगी तो फिर मेरी कुछ बात उसे भी समझ में आ सकती है। तो ये भी चालाकियां हैं, कम से कम कोई हमें घड़ी देता है, वैसे हमें प्रवचन ना भी कुछ सुने
कोई प्रवचन हम उसी को सुनवाना चाहें, अब वो रहता हो अमेरिका में और हमें उसी को कोई प्रवचन सुनवाना हो तो उसी की घड़ी बांध के बैठ जाओ। वो अपनी घड़ी के माध्यम से पूरा प्रवचन सुनेगा। अब मैं अपनी बात कह दूंगा, इसी को तो करुणा बोलते हैं। यही तो करुणा होती है, और क्या होती करुणा? मतलब अब क्या घड़ी चाहिए? बोलो बोलो। आखिरी दिन उसको ने कहा था कि सबने जो पूछा हमने बताया, लेकिन हम क्या चाहते हैं वो किसी ने नहीं पूछा। हम चाहते हैं कि वही सवाल आपसे पूछ ले, शायद वक्त ना मिले चाहे। हाँ, कि हम क्या चाहते हैं। हाँ हाँ, तो ये सवाल का जवाब जो है हम दे चुके हैं। हम तुम लोगों का परिवार चाहते हैं, तुम्हारे सबके संग में रहने का परिवार चाहते हैं। हम नहीं चाहते हम बुद्धत्व दे, हम नहीं चाहते हम कोई भी बातें थोपे, हम नहीं चाहते किसी तरीके का महावीर और बुद्ध के किस्से कहें। हम इस जगत को एक परिवार देना चाहते हैं और अब हम अपने परिवार के साथ हैं, इसीलिए इस परिवार के बीच मुझे आनंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं शिविर लेने नहीं जा रहा, कुछ करने नहीं जा रहा। हम अपनी व्यवस्था खुद गांठेंगे, जिसे आना हो हमारे पास आए। मैं तो अपने बच्चों के साथ रहूंगा जो मेरे हैं, जिसमें तुम भी हो। तो मेरा तो बस यही, और शायद यही एक ऐसी चीज है जो पिछले 20 सालों से मेरे जागरण के साथ साथ आज तक जारी है। हमेशा ही मेरे साथ कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो मेरे खून के संबंधी नहीं थे। पिछले 20 सालों से लगातार मेरे साथ ऐसे लोग रहे हैं। तो 20 सालों में मेरे ढंग बदले, मैं ध्यान कराया, आश्रम किया, छोड़ा, कुंभ कराया, छोड़ा, बहुत सी चीजें की, छोड़ी, बदलता रहा, क्यों, मुझे लगा कि इन माध्यमों से दे दूं। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो किसी की दी हुई नहीं थी, वो हमारा अपना स्वभाव था पारिवारिक, वो हमारा किसी के साथ भी रह लेने की एक कला है। तो मैंने सोचा फिर इसी कला को हम बढ़ाएंगे, इसीलिए हम सखा परिवार की बात करते हैं। यही मेरे दिल का, अब बस सखा परिवार ही मेरा जीवन है। और इस परिवार को चलाने के लिए और सब करने के लिए मुझे कोई बहुत झंझट की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी दुनिया, अपनी दुनिया, तुम्हें देखो हम लोग यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का अपना एक अलग ही तरीका है रहने का। छोटा सा देखो, अभी इस समय कितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, 9-10 लोग। अभी 9-10 लोग हमारे ज्यादा अच्छे हैं, ये 10 लोग जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, हमें कोई झंझट नहीं करते, हम लोग हंसी मजाक से सब बात कर ले रहे हैं। ये मैं देना चाहता हूँ, जहाँ हम स्वतंत्र हों, जहाँ हम पे पैसा कमाने की बहुत जिम्मेदारियां ना हो, किसी भी तरीके की जिम्मेदारियां ना हो, सिवाय इसके कि तुम्हारी तुम ही जिम्मेदारी हो, तुम्हारी स्वयं के आनंद के प्रति जिम्मेदारी है, दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहां विवाह करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, बच्चे पैदा करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, यहां सब अपना अपना सोच सकते हैं। यहां ये नहीं है कि शादी माँ बाप के कहे पे हो रही, बच्चे सास बहुत दिन से कह रही है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं, नपुंसक है क्या है, इसलिए बच्चे पैदा कर लो। कुछ लोगों की शादी में बच्चे पैदा करने का मन नहीं होता, लेकिन कहते यार अब तो लोग ताने देने लगे हैं, कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं चाहता, मेरे दिल में है, अब मैं वही कर रहा हूँ। मैंने बहुत कर ली कि ओशो के प्रेम में था तो ओशो के सन्यासियों के कहे पे कुछ चीजें करने की आई, प्रेम में हो जाता है ऐसा। लेकिन जब ओशो ने ऐसा कहा तो हमें जरा जल्दी अकल आ गई, मरने पे अकल आती इससे अच्छा है पहले आ गई। तो तुमने ये पूछा बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैं पहले कह चुका हूं तुम्हारे कहने से पहले कि अब मैं अपने दिल की करूंगा, वो मेरा सखा परिवार मेरे दिल की बात है। बस यही सखा परिवार आखिरी, बस यही सखा परिवार, ये का मतलब इतने लोग नहीं, बढ़ सकते हैं और ज्यादा हो सकते हैं, ये फैल सकता है, लेकिन बस ये परिवार की सोच। मैं समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने परिवार को तो बदल सकता हूँ। सबसे पहले शुरुआत वहीं से कर लेते हैं, और वो परिवार नहीं जो हमारे जिंदगी में पैदा हुए भी बदलने की कोशिश करेंगे तो जबरदस्ती हो जाएगी। इस जैसे बुद्ध ने संघ कहा, ओशो ने कम्यून कहा, मैं परिवार कह रहा हूँ। तो हमारा सखा परिवार है जिसके बीच में अपना खेल खेल रहे, और बहुत अच्छा खेल खेल रहे। आज बताओ क्या खाओगे सब?